हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शादी का झांसा देकर बिलासपुर की रहने वाली एक युवती के साथ परिवार के कई लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया और कहा कि अब ये संबंध तुम्हें हमारे साथ सारी उम्र बनाने पड़ेंगे। ये आरोप लगाते हुए बिलासपुर के एक गांव की एक युवती ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत की, जिसमें अपने ही गांव के रहने वाले विशेष समुदाय के युवाओं के ऊपर जबरन संबंध बनाने के आरोप लगाए। 3 महीने पहले महिला थाने में युवती की शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते वो आज पुलिस अधीक्षक से मिली। आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2021 को बिलासपुर के एक गांव की रहने वाली युवती ने अपने ही गांव के विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगाया था कि एक युवक उसको शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और उसके बाद उससे नाजायज संबंध बनाने लगा। इतना ही नहीं, उसने अपने ही परिवार के कुछ लड़कों को बुलाकर उसके साथ भी अवैध संबंध बनाने पर मजबूर किया, जिसको लेकर युवती ने इन सभी की शिकायत महिला थाना यमुनानगर में की, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़िता आज पुलिस अधीक्षक के दरबार में पहुंची और शिकायत देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही इंसाफ मिलने का आश्वासन दिया। वहीं पर युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके गांव के विशेष समुदाय का एक लड़का उसको नशीला पदार्थ सुंघा कर अपने साथ ले गया और चाकू की नोक पर उससे गलत काम करता रहा। इसके दौरान जब उसने विरोध किया तो उसने अपने परिवार के कुछ साथियों के साथ भी जबरन नाजायज संबंध बनवाए। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वो उसको धंधा कराने के लिए उठाकर लेकर आया था। पीड़िता ने बताते हुए कहा है कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और आरोपियों को सजा। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। रिलेशन बनाए, गलत काम किया और चाकू की नोक पे मेरे साथ ऐसा कुछ करवाया, बोला भी नशीला पदार्थ देता था और बोला भी सारी उम्र ऐसे ही काम करेगी तो यही सड़के मरेगी, यही धंधा कराने के लिए मैं तेरे को उठा के लेके आया। तो आपको जब वो उसने अपने साथ लेके गया तो क्या क्या लेके गया था कि शादी करूंगा या आपको कुछ रुकूंगा? हाँ जी, ऐसी नशीला पदार्थ कुछ सुबह के ले गया तो मेरे को तो यहाँ सेफ हाउस में ही लेके आया। तो शारीरिक संबंध जबरन बनाए? हाँ जी, जबरदस्त। और किन के में बनाया आपके साथ? उसके पंचों भाई, चारों भाइयों ने, दो पड़ोस के भाई है और दो जीजा। तो आप क्या इंसाफ चाहते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि बस उनको सजा मिले और उम्र कैद हो जाए, जल्दी अरेस्ट हो। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।